नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि के बारे में। तो दोस्तों, जानते हैं कि छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि जो है बढ़ा दी गई है, नहीं बढ़ाई है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ जो है आप जाकर यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर यानी यूपी स्कॉलरशिप की मेन साइट पर जाकर इस न्यूज़ को चेक कर सकते हैं कि न्यूज़ बिल्कुल राइट है या रॉन्ग है, कि दोस्तों छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो अपने फ़ोन में या डेस्कटॉप में अपने ब्राउज़र को ओपन करना है, जहाँ से आप सर्चिंग करते हो, यहाँ पर आपको जाकर यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको पहली मेन साइट खोलनी है, यानी जो यूपी स्कॉलरशिप की जो मेन साइट है। और वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर आप आ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिलेंगी, यानी जो यूपी स्कॉलरशिप की जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए, जो न्यू रेड कलर का जो है लेटेस्ट टाइम टेबल फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2019-20 यानी 18 अक्टूबर। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके PDF डाउनलोड करने के लिए कहेगा और PDF का जो नेम रहेगा टाइम टेबल टाइम PDF। तो दोस्तों, इसको आपको डाउनलोड करना है और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये 1-2 MB की PDF है और आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और फिर ये PDF जो आपके फ़ोन में जो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये PDF जो आपके फ़ोन में ओपन हो गई है, ये PDF जो लखनऊ समाज कल्याण विभाग ने यानी अपलोड करी है यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर। तो दोस्तों, इस तरह आप जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप जाकर यूपी स्कॉलरशिप के नोटिफिकेशन को जो अच्छी तरह पढ़ सकते हैं कि छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि जो है बढ़ा दी गई है नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा समाज जनपद के NIC को भेजने हेतु प्रमाण पत्र, यानी जो ये समाज कल्याण विभाग ने जो प्रमाण पत्र NIC को भेजा है वो नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं ये पूरा आपको पढ़कर नहीं दिखाऊंगा, इसे आप खुद अपने फ़ोन में जो है अच्छी तरह पढ़ सकते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन है। इस समय मैं आपको सिर्फ मेन जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना है, यानी यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है डेट के बारे में लिखा हुआ है, यानी आपकी जो स्कॉलरशिप आवेदन की तिथि जो है 1 नवंबर 2019 से 20 नवंबर 2019 तक कर दी गई है। तो दोस्तों, इस तरह आप जाकर यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह डाउनलोड कर सकते हैं, उस न्यूज़ को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह जो आपकी यूपी स्कॉलरशिप की छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि जो है बढ़ा दी गई है और दोस्तों आप 1 नवंबर से 20 नवंबर तक दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, साइट बिल्कुल स्लो चलेगी, तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर लीजिए क्योंकि आपके लास्ट बार है, इसके बाद यूपी स्कॉलरशिप की डेट मुश्किल ही है कि बढ़ेगी, वैसे बढ़ भी सकती है लेकिन दोस्तों मुश्किल है कि डेट बढ़ना। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आवेदन कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताएं, नहीं तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाएं, उसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक नोटिफिकेशन ये भी है कि दोस्तों जो 2017 बैच के छात्र हैं यानी यूपी डीलैट के, वो इस फॉर्म को अभी तक फिल उनके लिए नोटिफिकेशन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, यानी OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के जो छात्र हैं यूपी डीलैट 2017 बैच के, वो इस फॉर्म को अभी तक फिल नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए अभी तक नोटिफिकेशन मिला नहीं है। तो दोस्तों, उनके लिए जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त करा दूंगा, यानी जो भी यूपी डीलैट के छात्र हैं 2017 बैच के, वो इस वीडियो को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।